नमस्कार दर्शक मित्रों, वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल शाह में नीतल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। और दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर में हम आपके लिए लेके आते हैं लॉट्स ऑफ म्यूजिक, मस्ती, फन, एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ वेरी रिनाउंड सेलिब्रिटीज। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे, बहुत सारे जंगल के सीन्स देखे होंगे। जंगल में कभी आप ऐसे गए हैं? मैं गई थी एक बार मैं ऐसे ही जंगल में गई थी। वहां पे मैंने शेर देखा, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, दोनों की आंखें मिली। मैंने अपना हाथ ऊंचा किया, शेर ने अपना पंजा ऊंचा किया। मैं गुस्से से चिल्लाई, शेर ने भी गुस्से में दहाड़ लगाई। और फिर शेर ने जैसे ही जंप लगाई, मैंने टीवी ऑफ कर दिया। क्यों? पहले ही बताया था ना, वो डिस्कवरी चैनल वाला जंगल था। तो बहुत ज्यादा जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जीवन को ऐसे ही मस्त जीते रहिए और मजे में रहिए। और एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा आपको देखते रहना है वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल। एंड मुझे आप सभी के प्यार भरे मैसेजेस का हमेशा इंतजार रहता है। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस एंड दिव्यांग न्यूज चैनल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हम सभी जगह पे आपके मनोरंजन के लिए हमेशा तैयार है। सो डू लाइक एंड शेयर आर पेज दिव्यांग न्यूज चैनल। और वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल में नीतल आज आपके लिए लेके आई है एक बहुत ही अपकमिंग एंड वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग सेलिब्रिटी, मिस्टर अमित कुमार, हु इज अ एक्टर, अ सिंगर, अ डबिंग आर्टिस्ट, जो सालों से इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो वेलकम मिस्टर अमित कुमार, वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विथ नीतल ओवर हियर। एंड सबसे अच्छी बात जो मैं अमित कुमार जी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, ही has done two movies with Rajpal Yadav ji aur Darshan Jariwala ji ke sath inki web series bhi aayi hai on biography of our PM Narendra Modi ji. To matlab aap you are a very multi talented person Amit ji, ke aap matlab itni achhi achhi cheeze, a variety of roles aap karte hain, to bahut hi achhi baat hai. Aur aap यहाँ पे आ जाए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे दर्शकों के साथ आप यहाँ पे हमारे साथ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू दिव्यांग न्यूज चैनल। तो सबसे पहले अमित जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ये इतनी सारी चीजें जो आप करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, दिव्यांग चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस छोटे से डांचीज कलाकार को यहाँ पर आने का मौका दिया और आप लोगों तक पहुँचने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं नीतल जी आपका शुक्रगुजार हूँ दिव्यांग चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू। और जहाँ तक बात है कि कैसे शुरुआत हुई, तो मैं बता दूं कि मुझसे पहले मेरे घर में या मेरे खानदान में कोई कलाकार नहीं था। और ये कहते हैं कि जिस पे उसकी मेहरबानी होती है वही कलाकार बनता है। हाँ जी, बहुत सही बात बताई है आपने कि आप पे उनकी मेहरबानी कुछ ज्यादा है, इसीलिए आपके जैसे इतने अच्छे कलाकार मुझे हमें मिले हैं। तो क्या आप बचपन से, आपको ऐसा सब एक्टिंग वगैरह का शौक था? बचपन से ऐसे कहा जाए कि मैं फिल्में देखता था, छोटा था, फिल्में वगैरह सब देखता था। तो अक्सर सोचता था कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर धीरे 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 थोड़ा गाने का शौक हुआ तो मैं स्टेज की दुनिया में आ गया। तो किशोरदा के गाने बहुत गाता था मैं, तो शुरुआत मैंने एज ए सिंगर, स्टेज सिंगर की। ओके, तो डिड यू टेक एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर दैट, आप के सिंगिंग आप शौकिया ऐसे ही स्टार्ट किया आपने? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं सिर्फ गुरु हर तरह के होते हैं, हाँ जी, लेकिन मैंने गुरु बनाया किशोरदा को, रफी साहब को। उनके गाने सुनने के बाद मैं उनको फॉलो करता था कि मुझे भी ऐसे ही गाना है, लेकिन वैसे गा नहीं सकते,
बस एक कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा गाए, लेकिन लोगों तक तो अच्छी आवाज पहुंचे, तो थोड़ा ये रियाज कर हाँ लेता ये हूँ। तो बहुत ही मतलब आपने अच्छी बात बताई कि विदाउट ट्रेनिंग आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इतना अच्छा सिंगिंग आप कर रहे हैं। मैंने आपको खुद सुना है, आपकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा वो जैसे प्रैक्टिस करके होती है, घड़ी हुई आवाज है। तो आई एम श्योर आपने बहुत हार्डवर्क किया होगा कि उसकी मेहरबानी तो रहती ही है, लेकिन हार्डवर्क के बगैर आपको ये जो सेटलमेंट होता है वो जो नहीं मिलता है, तो ये आपकी हार्डवर्क की वजह से आपको मिला है और आप इतने अच्छे से परफॉर्म करते आए हैं। तो ये हुई बात आपके सिंगिंग की, आपने शुरुआत सिंगिंग के किसे की, आप किशोरदा के गाने जी कॉपीज करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो आपने कहाँ कहाँ शोज किए हैं? मैंने ऑल ओवर गुजरात में शो किए हैं, और एक मौका आया था कि 2 बार लंदन जाने का मौका मिला था, और हमारी छोटी सी टूर थी ऑर्केस्ट्रा की, ओके और 3-3 महीने की वो टूर थी, और वहाँ पर जाकर अपना जो अपनी जो कला है, अपना फन है, हाँ वहाँ जी के लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला था। तो ये गुजरात के बाहर, इंडिया के बाहर भी उसकी मेहरबानी ओके से और अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँच गए थे हम। ओके सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आपने इंडियन कल्चर को लंदन तक पहुंचाया और आप वहां पे भी आपने सिंगिंग किया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दैट। और इसके अलावा आपने पूरे गुजरात में भी शो किए हैं, दैट वाज योर सिंगिंग एज अ सिंगिंग, और भी आप बहुत सारे शोज करते आए हैं, तो और किस तरह के आप शोज करते हैं उसके बारे में भी आप हमें बताइए। शोज स्टेज शोज होते हैं, टिकट शोज होते हैं, जैसे रिसेप्शन शोज होते हैं, या जैसे मैं कहूँ कि हमारे मित्र हैं उषा जी, उषा जाड़ा वाला जी, हाँ जी उनकी एक एकेडमी चलती है, चांस एकेडमी, उनमें भी हमने साथ में काम किया, और उनके बारे में संक्षेप में बोल देना चाहता हूँ श्योर कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसे कलाकार जो दिव्यांग है, जिनके अंदर टैलेंट था लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा था, तो उनके जरिए, चांस एकेडमी के जरिए, उषा जी के जरिए, वो तमाम कलाकार लोगों के दिलों में आज पहुंच गए, लोग उन्हें जानने लगे हैं कि ये भी एक कलाकार हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शोज हमने मिलकर साथ में भी किए हैं, और अनगिनत शो इस तरह से किए हैं मैंने। दैट्स रियली नाइस टू नो अमित जी। और आपने ऐसे शोज में भी जहाँ पे दिव्यांग है वहाँ पे भी सपोर्ट किया है, एंड आई वुड इवन लाइक टू से चांस अकेडमी इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब बाई गिविंग चांस टू सच फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, एंड आई वुड से दे आर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स जिनको ऐसे चांस मिल रहे हैं। इसके अलावा अमित जी, आप जो आपका एज अ एक्टर आप की कैरियर की शुरुआत जो है वो आपने कैसे की? सिंगिंग आप तो करते थे, फिर जी उसमें से आप एक्टिंग में कैसे आए वो आप हमें बताइए। नितल जी, एक फिल्म की डबिंग थी तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो उसमें जो विलन का किरदार निभा रहे थे तो उनके लिए वॉइस ओवर देना था, तो मैंने उस किरदार को अपनी आवाज दी। तो उस दरमियान में वहां पर डायरेक्टर बैठे थे, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपकी फिल्म में कोई किरदार हो इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, तो इन्हें जरा प्लीज। तो दोस्त की मेहरबानी से मुझे एक मूवी मिली, शुरुआत मैंने वो गुजराती मूवी से की, दुनिया दुश्मन प्रेमनी। ओके उसके सो बाद या दैट वाज रिगार्डिंग द एक्टिंग, लेकिन आई थिंक आई मिस द डबिंग पार्ट ओवर हियर। आपने डबिंग कहाँ से शुरुआत की थी? डबिंग कोई पहली मूवी जो मैंने की थी, गैंग्स ऑफ सूरत, अच्छा उनकी मूवीज भी अभी कर रहा हूँ मैं उन्हीं डायरेक्टर्स की, और उनके साथ मैंने 12 एड फिल्में की हैं, ओके और कई एड फिल्मों के लिए वॉइस ओवर दिया है उनकी, तो अच्छा वो मेरी शुरुआत थी। ओके तो मतलब आपने काफी सारी एड्स भी की हुई जी है, एज ए जी डबिंग आर्टिस्ट भी आपने बहुत सारे मूवीज और बहुत सारे एड्स सभी जगह पे अपनी आवाज दी हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी आपकी आवाज बहुत ही मतलब प्यारी लगती है सुनने में, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो अभी आपने कौन कौन सी मूवीज की हुई है उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी ताज़ा ताज़ा अगर बताऊं तो मैंने एक फिल्म की थी, एक आशा वन होप, ये इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है, हिंदी और अंग्रेजी में बनी थी, और इसका जो इसकी पूरी टीम थी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, वो एक मूवी मैंने की। उसके बाद अभी 2 मूवी मेरे रिलीज पे हैं, तारी मुस्कुराहट
जी और ये अपना बाकी माथी बात बाकी, और एक दूसरी फिल्म है जिसका अभी अभी मैंने डबिंग कंप्लीट किया, प्रेम थई गयो, गुजराती मूवी है। ओके। और जैसा कि आपने पहले बताया कि राजपाल जी के साथ दो मूवीज की हैं, वो एक गुजराती थी हालिशु निकड़ियो और एक है स्ट्रगल। ओके। और साथ ही अभी एक वेब सीरीज कंप्लीट की जिसका जिक्र आपने अभी आगे किया दर्शन जरीवाला जी के साथ। तो ये छोटे से सफर में ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ही दे दिया, मेहरबानी है उसकी। ये बहुत ही आपकी पॉजिटिविटी है और आपका अच्छा नेचर है कि इतनी सारी मूवीज करने के बाद भी आप इसको छोटा सा सफर कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मूवीज का लिस्ट जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है, एक के बाद एक आप ऐड करते जा रहे हैं। आपने शुरुआत की सिंगिंग से, फिर आपने डबिंग की, देन आपने एक्टिंग की, आपने किया राजपाल यादव जी के साथ मूवीज की, आपने दर्शन जरीवाला जी के साथ वेब सीरीज की, और बहुत सारी आपने गुजराती मूवीज की। इसको छोटा सफर नहीं कहते अमित जी। और जैसे आपने बताया आपकी जो अपकमिंग मूवीज है उन सब के लिए हमारी ओर से आपके लिए पूरी बेस्ट विशेस है कि आप की सारी मूवीज जो है वो एकदम आइकॉनिक फिल्म्स बन जाए। और जैसे आपकी वो पहली जो आपने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी बताया, एक आशा वन होप, ऐसी ही इंटरनेशनल लेवल की आपकी बाकी की अपकमिंग मूवीज भी सभी जगह पे पहुंचे, ऐसी ही हमारी शुभकामना है। अमित जी, आपने बहुत सारे रोल्स किए होंगे इतने सारे मूवीज में और इतने डबिंग और सब कुछ आपने किया, तो इन सब में आपके अभी तक के कैरियर में आपका सबसे फेवरेट वाला कैरेक्टर कौन सा रहा है? ये थोड़ा ऐसा सवाल है, मुश्किल सवाल है, क्योंकि कलाकार जो होता है उस, नहीं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा, डिप्लोमेटिक नहीं दूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि प्यास अभी बाकी है। अच्छा, सो शेयर योर ड्रीम प्रोजेक्ट विथ अस, के आपके जो अधूरी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं अभी भी, जो एकदम ड्रीम रोल है, उसके बारे में आप हमें बताइए। ड्रीम रोल में तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे फेवरेट हैं इरफान खान। हाँ जी जी, तो जिस तरह के किरदार वो निभाते हैं। ओके। तो मेरी ये इच्छा है कि जो भी काम मैंने किया है तो वो उन लोगों तक भी पहुंच जाए, ताकि उन, जैसे कहते हैं कि डायरेक्टर की एक नजर होती है देखने की, तो उन्हें कुछ दिख जाए और शायद जो मैं चाहता हूं वो किरदार मुझे मिल जाए। ओके। तो हमारे यहाँ पे ये कैमरा की जरिए, ये एपिसोड के जरिए हम आपके लिए शुभकामना देते हैं कि इसके जरिए आपका जो ख्वाब है वो उन डायरेक्टर के पास जरूर पहुंचेगा, एंड यू वुड बी एबल टू फुलफिल एंड गेट योर ड्रीम रोल एंड द ड्रीम कैरेक्टर, और आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और वैसे आपने बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे टाइप्स के रोल किए हुए हैं, तो अभी जो न्यू कमर्स है, जो लोग इंडस्ट्री में अभी आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? नितल जी, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, अब आज की जो पीढ़ी है वो ऐसा सोचती कि बस फौरन मैं वहां पर पहुंच जाऊं। हाँ, बात तो सही है। लेकिन कोई भी रास्ता अगर आप चलना शुरू नहीं करोगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। सही। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जो काम आप करना चाहते हैं उस पर पूरा फोकस करना पड़ता है कि मुझे ये करना तो मुझे यही करना है। गांधी जी ने कहा था ना कि एक साथ दो काम आप नहीं कर सकते। ओके। एक पे ही फोकस कीजिए। तो जब जो भी नए लोग, नए बच्चे देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर आपने कुछ ठान लिया है, मुझे कुछ करना है, तो पहले मेहनत कीजिए। सही बात है दोस्तों, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी होता है कहीं पे भी, कोई भी फील्ड में आपको कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितने लगन से काम करोगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना ही मीठा फल मिलेगा। नहीं तो बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। अमित जी, आपने ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सुपर मैसेज दिया है सारे न्यू कमर्स के लिए, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ माय एपिसोड व्हिच इज माय फेवरेट वन, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल गेम शो, एंड इसमें मैं आपको
परेशान कर सकती हूँ। और इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज योर फेवरेट, इसमें आपको मैं हिंदी मूवीज के डायलॉग दूंगी, जो आप करते हैं ना डबिंग में डायलॉग्स बोलते हैं वैसे वाले डायलॉग्स। आपको मूवी का नाम बताना है। अच्छा, आप मुझे हिंदी का डायलॉग बताएंगे, मुझे उस मूवी का नाम बताना। हाँ, जो डायलॉग है उसका नाम बताना है। मैं ट्राई करता हूँ। ओके, और उसके लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम एंड लेट्स सी कितने आप मूवीज बता पाते हैं। जी जी। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितने आदमी थे? जल्दी। शोले। वेरी गुड। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। जंजीर। रॉन्ग। कालीचरण। कालीचरण, सॉरी। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना। ओ, सलमान खान साहब की फिल्म थी। जल्दी 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 जल्दी, लेट्स पास इट ऑन। बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, यस। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अच्छा, ये तो अक्षय जी की फिल्म थी। हाँ जी। डोंट एंग्री मी। रावड़ी राठौड़। वेरी गुड। कुत्ते कमीने, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये तो धर्म जी का ही डायलॉग है, फेवरेट। हाँ। फिल्म पता नहीं है। यादों की बारात। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद के भी नहीं सुनता। दबंग। Wanted. So with this, your time's up over here. You did a very wonderful job with the dialogues round, and let's move on to our next round. And this is also going to be your favorite one because it is Hindi songs. हमने हिंदी songs जो है उसको English में translate किया हुआ है। आपको उसका हिंदी original version बताना है। अच्छा। क्योंकि आप अच्छे singer हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक tip दे दूँगी कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आंसर देने हैं तो गाना गाने मत बैठना, नहीं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। सो योर टाइम बिगिंस नाउ। मोमेंट मोमेंट नियर माय हार्ट यू स्टे। मैंने पहले कहा था मेरी अंग्रेजी बहुत कच्ची है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई। गाना कितना अच्छा आता है देखते हैं। मोमेंट मोमेंट Near my heart you stay, पल पल दिल के पास। This friendship we will never break। Friendship, दोस्ती। Oh, ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे। Very nice। Your and mine love story is difficult। Your and mine love story is difficult। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तेरी मेरी प्रेम कहानी। हाँ। किताबों में ना है मुश्किल तेरी। अरे, मेरी। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं। ओके। फॉरगेट मी गुड बाय टू यू। फॉरगेट मी गुड बाय टू यू, यू हैव टू लिव विदाउट मी। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप ये सब? यहाँ पे हमने आपको पकड़ लिया। Forget me, भुला देना मुझे। Goodbye to you, hey अलविदा तुझे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा उसपे। अच्छा, थोड़ा नए में प्रॉब्लम है, चलिए एक पुराना वाला ट्राई करते हैं। When we will grow up, don't know where we would be. When we will grow up, don't know where we would be. जब हम जवा होंगे। वेदर माई आईज आर क्लोज्ड और ओपन, आई सी हर साइट। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है। आंखें खुली हो या हो बंद। वर्ल्ड वॉक्स फॉरवर्ड देन आई वॉक बैकवर्ड। अक्षय कुमार। चलिए। अच्छा, अक्षय कुमार की फिल्म है। वर्ल्ड वॉक्स फॉरवर्ड देन आई वॉक बैकवर्ड। आई नो ऑल द गेम्स, आई एम अ ग्रेट प्लेयर।
वही वाला है. अच्छा. वर्ल्ड वॉक्स फॉरवर्ड देन आई वॉक बैकवर्ड. आई नो ऑल द गेम्स. आई एम अ ग्रेट प्लेयर. दुनिया चले अगाड़ी. हाँ वो नए गाने में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. थोड़ा नया पुरा, पुराने बहुत सुनता हूँ ना इसलिए नए. अच्छा. में थोड़ा फोकस. ओके. दिस वेट वेट नाइट. दिस इटर्नल एम्बियंस. दिस वेट वेट नाइट. ये रात भीगी भीगी. ओ राज कपूर साहब. हाँ जी. द वंस दैट कम्स इन ड्रीम कम्स एंड टीजेस मी. टेल मी टेल हिम टू कम इन फ्रंट ऑफ मी. वैसे आपका टाइम अप हो चुका है. बहुत अच्छा. सो दैट्स अबाउट इट. सो यू डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब विथ माई गेम्स ओवर हियर एंड इट वॉज अ वेरी स्पोर्टिव थिंग कि आप यहाँ पे हमारे साथ खेलने के लिए आए. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज वंडरफुल प्लेइंग विथ यू. बहुत मजा आया. और लास्ट में अमित जी मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारा जो है ये दिव्यांग न्यूज चैनल है जो दिव्यांगों के लिए काम करता है, तो हमारे दिव्यांगों के लिए आप एक स्पेशल मैसेज दीजिए प्लीज. दिव्यांग चैनल मैंने आगे भी कहा, फिर से कहूँगा कि हम बहुत अच्छे हैं. मालिक ने हमें देखिए कैसे एकदम फिट रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी जब इन बच्चों की तरफ हम देखते हैं तो थोड़ा दुख होता है कि मालिक ने इन्हें क्यों ऐसा बनाया. लेकिन जब इन्हें हम चांस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो मालिक की तरफ बहुत ही आभार की नज़र से देखते हैं कि तूने इन्हें जैसा भी बनाया लेकिन जो चीज़ इन्हें दी है दुनिया के किसी भी इंसान के पास वो चीज़ नहीं होती है. दिव्यांग कहने को दिव्यांग है लेकिन मेरी नज़र में वो दिव्यांग नहीं है, क्योंकि उनके पास कला की दौलत है. कला के जरिए वो लोगों के दिलों में पहुंच चुके हैं और इसका सारा श्रेय मैं दूंगा उषा जी को, उनकी चांस एकेडमी को, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए ये कार्य किया है और कई सालों से अभी तक करते आ रही हैं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म दे रही हैं. किसी ने नहीं दिया है सूरत में, किसी ने नितल जी ये प्लेटफॉर्म उन्हें किसी ने नहीं दिया है. मैं जानता हूँ, मैंने देखे हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं जिनमें इतनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उषा जी ने देखिए कहते हैं ना कि मालिक जरिया बना देता है नितल जी, तो उषा जी को एक जरिया बनाया दिव्यांग बच्चों के लिए. और आज सूरत नहीं पूरे गुजरात में कहीं भी आप देखिए इनका एक नाम हो चुका है. अब लोग जो प्रोफेशनल बेस के कलाकार हैं उनको नहीं बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि यही बच्चे आए अपना परफॉर्म करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचे. तो मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों के लिए. हाँ, बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने ये अमित जी. और साथ ही मैं जो श्री कनू भाई टेलर हैं उनके लिए यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है. ये जो स्कूल यहाँ पर है दिव्यांग स्कूल, उन्होंने वो चला रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए उन्होंने भी सोचा है. तो मालिक की बहुत मेहरबानी है उन पे, उनके ज़रिए सारे बच्चे हम तक पहुंच रहे हैं टैलेंट के साथ. और करो भाई आप हमें देख रहे हैं तो मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ा काम किया है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच अमित जी. हमारे दिव्यांगों के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है एंड आई एम श्योर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी जो अपकमिंग मूवीज़ है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बेकरार हैं. और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे जब आपकी मूवीज़ रिलीज होगी उसके साथ. एंड आई वुड बी हैविंग अ बिगर स्टार विथ मी ओवर हियर एंड दैट वुड बी माई प्लेजर. इट्स अ वंडरफुल मोमेंट ओवर हियर एंड प्राइड फॉर मी दैट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू talk to you and once again world of glamour with Nital में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों world of glamour with Nital में Nital आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे interesting and बहुत सारे famous celebrities लेके आती रहेंगी और आपको entertainment करवाती रहेगी. तो next time आपसे फिर से मुलाकात हो, तब तक के लिए धन्यवाद.